मंच पर उपस्थित कमलदेव सर, कैलाश प्यारी सर संस्कृत के, और निर्माण की पूरी टीम, और सबसे ज़्यादा यूपीएससी के अभ्यर्थी। मैं बस बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी खड़े हुए हैं ऊपर और जो लाइन में खड़े हुए हैं, कभी मैं भी वहाँ खड़ा होता था, बस इतना अंतर हुआ वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बाकी चीज़ें सेम हैं। मुझे आज वो दिन याद है बत्रा का, जब सबका सेमिनार था और मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि क्या हमारे जैसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है। तो ज़्यादातर क्योंकि बहुत लेट आया था तो मुझे जगह मिल नहीं पाई थी, इसी तरह मैं जिस तरह आप खड़े हुए उसी तरह मैं खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर वक्ता थे, बोल रहे थे अपने बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, तो मुझे हमेशा लगता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें वो खास करते हैं। मैं हमेशा उनका मूवमेंट देखा था, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उस सभी तरीके का मूवमेंट वॉच कर रहा था। अब जब मेरा खुद का सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो इस सभागार में बैठे सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्योंकि काफी विद्यार्थी मुझे पहले से जानते हैं, पिछली बार मेरा 99 रैंक आया था और मुझे आईपीएस मिला था, मैं पहला फर्स्ट आईपीएस था अपने बैच में। क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, बचपन से एक सपना था सिविल सेवा में जाने का। ज़्यादातर हम विद्यार्थी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कलेक्टर एसपी इन सबको हम बहुत पास से देखते हैं, और इनका जो समाज पर जिस तरीके का इनका एक दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी होती है समाज के लिए, उसको बहुत पास से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही हमारे मन में इन सेवाओं के प्रति एक नेचुरल सा लगाव हो जाता है। तो उसी की तरह, उसी लगाव की तरह मेरा भी सपना था कि मैं भी एक दिन कभी सिविल सेवक बनूं। तो जब पिछले साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, 99 रैंक आया, तो मुझे आईपीएस मिला, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत हो गया, यहाँ यहीं तक की जर्नी थी हमारी, और अच्छा सिलेक्शन हो गया, अच्छा रैंक आ गया। पर सर से बात हुई, केडी सर से बात हुई, कैलाश भाई सर से बात हुई, क्योंकि आईएएस को लेकर एक पर्सनल चॉइस होती है, किसी की आईपीएस चॉइस होती है, किसी की आईएफएस चॉइस होती है। जैसे हमारे इंदौलिया की आईपीएस चॉइस थी, बहुत सारे लोगों की आईपीएस पहली चॉइस होती है, बहुत सारे लोगों की विदेश सेवा पहली चॉइस होती है। तो मेरी चॉइस जो पर्सनल थी वो आईएएस थी, तो सर ने मुझे बोला कि आपकी आईएएस चॉइस तो आपको दोबारा देना चाहिए, और मैंने दोबारा फॉर्म भर दिया इसका। इस बार तो बहुत ही कम टाइम मिला था हमें, बहुत ही कम। अब चूंकि मुझे तो पूरी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि यूपीएससी बहुत ही असंभावनाओं का और बहुत अनिश्चितताओं का चक्र है। इसमें आपको ये भी नहीं पता रहता कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, फिर प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस निकलेगा, फिर इंटरव्यू, और फिर बाद में सिलेक्शन, और उस सिलेक्शन के अंदर भी आप टॉप में आएंगे। तो तैयारी ज़्यादा थी नहीं, तो मैं बिल्कुल ही एकदम मन बना चुका था कि अब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इसमें मुझे लगना है। जब रिजल्ट आया तो काफ़ी आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा सा खुशी भी हुई कि चलो जो हमारी चॉइस थी वो हमें मिल गई। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दो बार मेरा सिलेक्शन हुआ है, दोनों बार मेरा टॉप 100 में नाम है, तो इस परीक्षा को लेकर इस तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि मुखर्जी नगर बत्रा की गलियों में मेरा भी 3 साल बीता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा जो जिन चीज़ों से बचना है, वो तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बहुत ज्यादा लोग नकारात्मक बातें बहुत करते हैं। कुछ लोग जिनको हम बाबा बोलते हैं, बाबा बाबा लोगों की श्रेणी में आ चुके हैं, तो वो हमेशा ना आपको ज्ञान देंगे, बहुत बड़ा ज्ञान देंगे। एक्चुअली क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सबसे इजीली अवेलेबल है वो आपकी फ्री एडवाइस। तो आपको एडवाइस देने वाले इतने मिल जाएंगे कि बस ऐसा लगता है कि बस यूपीएससी का पेपर ही वही बना लेंगे, चेक वही कर लेंगे और सिलेक्शन वही दे देंगे। तो इतने सारे लोग मिले थे, इतने सारे लोग मिले थे, खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। सुनते सबकी हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। जैसे अभी ज़्यादातर हम जब भी हम टॉपर्स टॉप करते हैं, जब भी हम टॉपर्स की बात सुनते हैं, तो 3-4 दिन बड़ा जोश रहता है हमारे अंदर कि आज जो बोला है बस आज तो हम करके मानेंगे। आज तो या तो यूपीएससी या फिर नहीं, दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो 4-5 दिन हम बहुत अच्छा जोश रहता है हमारे अंदर, फिर उसके बाद क्या फिर डाउन होने लग जाता है। और जनरली हम ऐसा मानते हैं कि टॉपर्स लोग हैं 16 घंटे पढ़ते होंगे, 14 घंटे पढ़ते होंगे, और जिस तरीके की मीडिया में बातें आती हैं, जैसे मेरा इंटरव्यू था तो मैंने तो बोला कि मैं तो 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, तो अखबार वालों ने छापते कि 14 से 15 घंटे पढ़ाई करते थे और दिन रात एक कर दिए, और ना खाना सुबह का खाना नहीं, 3-3 महीने तक नहाना नहीं। तो लोग मुझे फोन करके पूछते थे कि सर आप ऐसा करते हैं, तो मैंने कि बगैर नहाए अगर
कैसे 3 महीने तक नाना तो यार बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो देखो एक आम इंसान होते देखो बस एक्चुअली क्या है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जब मैं वहां पे बैठा था तो मुझे भी ये लगता था कि ये जो लोग हैं मतलब ये जो बात कर रहे हैं ये बस सिलेक्शन हो गया इसलिए कुछ भी बात कर रहे हैं। मतलब एक बार सिलेक्शन हो गया तो कुछ भी बात कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम 14 घंटे 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ते हैं। हम भी आप ही में से एक हैं। बस अंदर 1 साल पहले 1.5 साल पहले हम उस जगह पे थे, आज हम 1.5 साल बाद इस जगह पे हैं। और आप भी 1 साल 1.5 साल के बाद आप यहाँ पे हो जाएंगे। जब आप खुद यहाँ पे आ जाएंगे तो खुद आपको इस बात का पता लग जाएगा कि कोई अंतर नहीं होता। हम भी एक सामाजिक प्राणी है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। हर इंसान के अंदर कुछ कमियां भी होती है, कुछ अच्छाइयां भी होती है। हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी रणनीति है। जनरली हम क्या करते हैं कि जो टॉपर्स बात जिसने बोला कि बस वही फॉलो करना है, ऐसा नहीं होता। हर इंसान में कुछ ना कुछ चीजें खास होती हैं, उन्हीं पे वो फोकस करे और सफलता आपको मिल जाएगी। बस हम क्या थोड़े से इस परीक्षा में जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो धैर्य की जरूरत होती है हमारा, क्योंकि परीक्षा ही 1 साल तक चलती है। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, और किसी भी एक चरण में आप थोड़ा सा इधर उधर होगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। मुझे याद है ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में 1 मार्क्स से सिलेक्शन हो गया था। 241 कट ऑफ गया था, 240 नंबर आए थे। तो 1 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो गया तो बहुत 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 ज्यादा दुख हुआ कि 1 मार्क्स से सिलेक्शन हो गया। फिर दोबारा मेंस लिखा मैंने सेकंड अटेम्प्ट में, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरा 1 मार्क्स से इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया। तो 1 मार्क्स की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क्स का जो वो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा है। तो पहले अटेम्प्ट मेरा 1 मार्क्स से प्रीलिम्स हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा 1 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल हो गया, और तीसरे अटेम्प्ट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ आईपीएस के लिए मेरा 1 मार्क्स से आईएएस हो गया। एक मार्क्स की कहानी है तो आज जाके 1 मार्क्स पूरा हुआ है। तो 1 मार्क्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग बड़ा लाइटली लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी एक रणनीति बना के रखें। ज्यादातर हम लोग सुन लेते हैं कि आप पढ़े क्या नहीं पढ़े, जैसे कि पिछले साल भी मेरा बहुत सारा इंटरेक्शन होता है निर्माण में। मैं आया था निर्माण के, इलाहाबाद भी गया था, लखनऊ भी गया था, तो निर्माण के बच्चों के साथ विद्यार्थियों के साथ काफी इंटरेक्शन है। अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। तो मैं कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एक ही चीज को 10 बार पूछते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि हर बार शायद मेरा आंसर बदल जाएगा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई जो चीज है वो ही है। मैं उनसे बोलता हूँ कि क्या सर मैं क्या पढ़ना चाहिए, मैं उनको बताता हूँ कि भाई हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो आप। तो उनको लगता है कि यार एनसीईआरटी तो बहुत ही कम रहेगा। मैं बताता हूँ जैसे उसमें क्वालिटी में क्या पढ़ना चाहिए कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, तो उनको लगता है कि शायद इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, ये कुछ बता नहीं रहे हैं। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, मैंने देखा है कि हमारे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो तैयारी करते थे, और आज अभी मैं आ रहा था तो वो भी अभी भी बस घूम ही रहे हैं गलियों में ना। तो जनरली क्या होता है, उनके पास कई सारी पुस्तकें होती हैं, बहुत सारी पुस्तकों का पुलिंदा होता है, लेकिन जब हम पढ़ने पे आते हैं तो हम एक बुक भी नहीं ढंग से पढ़ पाते। तो मेरा तो मानना है कि हम कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। और इस परीक्षा का अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी सफलता में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, मेरे साथ ये रहा कि मैंने कभी अखबार पढ़ना नहीं छोड़ा। न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, मतलब इस परीक्षा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पेपर का जिस तरीके का लेवल हो गया, डायनामिक नेचर हो गया है 2013 के बाद पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप पूछ रहे अखबार जरूर पढ़ें। आप पेपर के साथ आपकी निरंतरता बनी जाएगी। तो पेपर 2 और पेपर 3 जो खासकर आपका जो जीएस का पेपर 2 पेपर 3 है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी, कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, सीधा पेपर पढ़ता रहा और सीधा जाके आंसर लिख दिया। पिछले साल क्या होता, मेरे संस्कृत, मेरा जो ऑप्शन संस्कृत है, तो मेरे पिछले साल संस्कृत में थोड़े मार्क्स कम थे जिस वजह से मेरा 99 रैंक आया। इस बार क्योंकि जीएस में मेरे मार्क्स पिछली बार भी अच्छे थे, इस बार भी मार्क्स मेरे उतने अच्छे हैं, इस बार मेरे संस्कृत में मार्क्स काफी अच्छे इंप्रूव हो गए। संस्कृत में मैंने फोकस किया अपना, तो पेपर 2 में संस्कृत मेरे अच्छे मार्क्स आए तो अच्छा रैंक आ गया। तो जीएस के मेरे मार्क्स कंसिस्टेंट है, मतलब पेपर 1 2 3 में आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी रणनीति है, जो मेरे आंसर्स में लिख रहा हूँ, शायद वो यूपीएससी को कहीं ना कहीं थोड़े से पसंद आ रहे होंगे। तो उस आंसर के बेसिस में आपको मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। हम क्या रिविजन नहीं करते, हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में इतना ज्यादा हमने खाना जब पचा लिया तो ज्यादा खाना खा लिया तो उसको पचा नहीं पाते। यही सब पढ़ने के साथ है, इतने ज्यादा पढ़ लेते हैं कि रिवीजन ही नहीं हो पाता। तो सिलेक्टिव चीजें पढ़ें, और खासकर आजकल देखा गया है कि यहाँ पे ना, क्योंकि कॉमर्शियलाइजेशन है, पूरा बाजारवादी संस्कृति है, यहाँ पे बिल्डिंगें कम नजर आती हैं और कोचिंगों के बोर्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं, होर्डिंग्स। तो अभी मैं आ रहा था तो पूरा मुखर्जी नगर से पत्रा तक पूरा मार्केट अटा पड़ा है। अब चूंकि मैं तो आईपीएस की ट्रेनिंग हूँ, पिछले 6 महीने से भी आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है, तो पिछली बार मैं इलाहाबाद भी गया था तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके कि वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें याद हो गई। बाकी देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से वहाँ आने में
आप एक साल दो साल तीन साल जितना भी आप टाइम देते हैं वो वर्थ है। इस पद पर पहुंचने के बाद आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। कभी कभी निराशा होती है, देखो हर दिन एक साल नहीं होता, हमारे साथ भी ऐसा होता था। एक दिन तो हम बहुत ज्यादा अच्छा टेंथ क्लास बहुत ज्यादा जोश में रहते थे कि हम पढ़ेंगे, कभी कभी चार पांच दिन के बाद हमारी पढ़ाई डाउन हो जाती थी। सभी विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम होती है कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता था बहुत ज्यादा, पर हमारे उससे उभरने के माध्यम अलग अलग होते हैं। कोई अपने फ्रेंड से बात कर लेता है, कोई मूवी देख लेता है, कोई थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेता है, कोई आध्यात्मिक, मेरा थोड़ा आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहा है। तो जब भी मैं परेशान होता था, जब भी मुझे परेशानी होती थी, मैं स्कॉन चला जाता था टेम्पल, तो वहां थोड़ा सा मेडिटेशन किया और थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। कभी ऐसा नहीं होता कि हम महीने के 30 दिन बहुत उसी एफिशिएंसी से पढ़ाई करें। एक साइनसोइडल कर्व होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो हमारी तैयारी का लेवल भी ऐसा ही है, कभी आप ज्यादा तैयारी करते हैं कभी कभी कम तैयारी करते हैं, तो सभी के साथ होता है। तो बस ये हमें करना है कि उस कंटिन्यूटी को थोड़ा सा बना के रखें। और मैं कहना चाहूंगा कि निर्माण केडी सर के साथ मेरा पिछले साल भी, क्योंकि पिछले साल मुझे टाइम था, क्योंकि पिछले साल मेरा कहीं हुआ नहीं था, तो पिछले साल तो मैं काफी, इस बार तो मुझे ज्यादा टाइम मिला नहीं है, आईपीएस की ट्रेनिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल रहता है, फिर भी फोन पर मेरी बात होती नहीं थी केडी सर से इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि मतलब जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं तो विद्यार्थी सीधा इंटरव्यू की क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीलिम्स और मेंस को सीधा टांग के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, और कोई कोई तो विद्यार्थी इतने हद तक पहुंच जाता है कि सर कैडर कैसे मिलता है, सिलेक्शन मतलब आईएएस किस रैंक तक जाता है, प्रीलिम्स की तैयारी करो, पहले मेंस की तैयारी करना, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये सब एक के बाद होता चला जाएगा सीधा। ये अच्छी बात है कि इंटरव्यू और वो सब चीजें रहती हैं, पर मुझे लगता है कि पहले प्रीलिम्स और मेंस पे फोकस करें, और प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग नहीं है, एक ही तैयारी होती है, फिलिम्स की स्पेसिफिक तैयारी हो, मीन्स की स्पेसिफिक तैयारी हो, ऐसा कुछ नहीं है, किसी तैयारी होती है, उसको फोकस करके रखें। और ऑप्शनल का जो जिस तरीके का है ट्रेंड है कि ये ऑप्शन अच्छा है, वो ऑप्शन अच्छा है, तो सारे ऑप्शन अच्छे होते हैं। ऐसा अगर हम देखेंगे कि किसी ऑप्शन के साथ मार्क्स अच्छे किसी साल आ रहे, किसी साथ मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो हम बहुत ही, हमारे पास सैंपल सर्वे बहुत कम होता है। ऑप्शन आप वही लें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको पहला इंटरेस्ट हो, बगैर इंटरेस्ट कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। क्योंकि मेरा आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, तो मेरा संस्कृत में गीता पढ़ता रहता था, तो संस्कृत में मेरा नेचुरल इंटरेस्ट था, तो मैंने कैलाश खेरी सर से यहाँ पे कोचिंग लिया, तो संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर आया। जीएस के लिए बताना चाहूंगा, एथिक्स का केडी सर का बहुत अच्छा केस स्टडी लग रहा, हमने कभी काफी सॉल्व की थी। तो चूंकि क्या है, हम चीजें सुनते हैं फिर बस थोड़ा सा कमी कर रिटेंशन की प्रॉब्लम रह जाती है। जैसे मुश्ताक भाई ने बताया था कि इंग्लिश विद्यार्थी, इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग रिटेन नहीं कर पाते, चीजों को रोक नहीं पाते, हम इतना पढ़ लेते हैं, इतना ज्यादा हो जाता है कि अपच हो जाती है, मतलब एकदम हम रिविजन बिल्कुल नहीं करते। इंग्लिश के मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, उनके वो थोड़ा कम पढ़ते हैं, वो स्मार्ट भी पढ़ते हैं, वो बार बार पढ़ते हैं उस चीज को। तो मेरा आपको ये मतलब, ये सिलेबस इतना ज्यादा हो गया है, यूपीएससी का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कुछ पढ़ना है। हम जनरली ये मान लेते हैं कि आईएएस का मतलब इतना सारा, मतलब आईएएस तो मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक एक परीक्षा की डिमांड होती है, उस परीक्षा की डिमांड के हिसाब से यूपीएससी की एक डिमांड है, उसी डिमांड को आप फुलफिल कर दो, सब हो जाएगा। कभी प्रीलिम्स जैसे आप कुछ लोगों को देखा है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो प्रीलिम्स की भी एक डिमांड होती है, प्रीलिम्स की मुझे कभी समस्या नहीं हुई। ऐसे मेंस की एक डिमांड है, इंटरव्यू की एक डिमांड है, तो हर चरण की एक डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, खासकर हमारे जो खड़े हुए हैं इधर, जिनको जगह नहीं मिल पाई, मैं भी आप में से एक ही था, बस अंतर इतना है, समय का अंतर है। मैं चाहूंगा कि आप में से सारे विद्यार्थी, देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल जो चीजें होती हैं वो अपने अंदर उस जुनून को बरकरार रखना, उस जोश को बरकरार रखना कि हम ये तैयारी क्यों करें, किसके लिए करें, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे जब आपको लगेगा कि अपने आप से विश्वास थोड़ा सा कम होने लगेगा, तो हमेशा आप उस चीज के लिए सोचें जिस चीज के लिए आप तैयारी करने आए थे। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, अपने उन लोगों के बारे में सोचें जो आप पे भरोसा करते हैं, तो उन भरोसों के लिए, क्योंकि ये परीक्षा ना केवल आपको एक समाज की प्रतिष्ठा देती है बल्कि समाज को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है। तो आप उस चेंज के बहुत बड़े बहाव हो सकते हैं, आप उस चेंज के करने वाले बहुत बड़े दूत हो सकते हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में आपको बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सर्विस आईएएस आईपीएस आईएएस कुछ भी सर्विस मिले, इस सर्विस के द्वारा आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। मैं कहना बस इसी बात के साथ अपना अंत करना चाहूंगा, अपना फोकस रखें, जो आप
हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात है, उस खास बात के साथ जुड़े रहें और विश्वास रखें अपने ऊपर। थैंक यू।